नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, सी टेट पात्रता परीक्षा को लेकर आप सबके लिए दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। सी टेट की परीक्षा का आयोजन दोस्तों साल में 2 बार आयोजित करवाई जाती है। दिसंबर में आपकी एग्जाम डेट आई थी दोस्तों कि 16 दिसंबर से 13 जनवरी 2022 तक आपकी परीक्षा आयोजित होंगी, लेकिन दोस्तों अब आपकी परीक्षा तिथियों में बदलाव होगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी परीक्षा को पोस्टपोन करके आगे बढ़ाया जाएगा। कब आपकी परीक्षा तिथि होंगी, क्या एडमिट कार्ड अभी भी जारी हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि लगातार जैसा कि देखा गया पिछले जितनी भी दोस्तों सी टेट की परीक्षा हुई उसकी एडमिट कार्ड की अगर आप उठा के देखते हो दोस्तों डेट, तो लगभग 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाती हैं। आपकी जो परीक्षा दोस्तों 31 जनवरी 2021 को जो एग्ज़ाम आयोजित कराई गई थी दोस्तों सी टेट की, उससे दोस्तों 17 दिन पहले, 16-17 दिन पहले 13 जनवरी को आपके एडमिट कार्ड आ गए थे। लेकिन इस बार दोस्तों आपके एडमिट कार्ड नहीं आने से लगातार स्टूडेंट परेशान हैं। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका CBSE बोर्ड द्वारा कराया जाता है, तो दोस्तों CBSE बोर्ड की इस समय फर्स्ट टर्म की एग्ज़ाम भी आयोजित हो रही है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट टर्म की जो एग्ज़ाम है वो चल रही हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपकी जो परीक्षा तिथियाँ हैं उनको बदलाव किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। इसको लेकर दोस्तों नोटिस आपको किसी भी समय देखने को मिल सकता है। चलिए चलते हैं एक बार ऑफिशियली वेबसाइट पर, वहाँ पर कोई नोटिस आया है या फिर अभी तक नहीं आया है। तो दोस्तों बात करूँ ऑफिशियली वेबसाइट की, तो मैं ऑफिशियली वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों सी टेट को लेकर ना तो एडमिट कार्ड को लेकर कोई अपडेट है, ना ही दोस्तों आपकी जो है यहाँ पर जो है कोई भी नोटिस जारी हुआ है। जबकि कहा जा रहा था तो CBSE बोर्ड के एक सीनियर अधिकारी की तरफ से बयान आया कि आपकी एग्ज़ाम डेट में बदलाव हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने कई बार दोस्तों टोल फ्री नंबर पर कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कॉल नहीं रिसीव किया। लेकिन दोस्तों CBSE बोर्ड की तरफ से सूत्रों से जो अपडेट है अनुसार आपकी एग्ज़ाम अब जनवरी में आयोजित हो सकती है, क्योंकि CBSE बोर्ड की एग्ज़ाम है दोस्तों वो आयोजित हो रही हैं। 9th से लेकर 12th तक फर्स्ट टर्म की एग्ज़ाम चल रही है, तो ऐसे में दोस्तों CBSE बोर्ड दोनों जो है सी टेट और बोर्ड क्लास की दोनों एक साथ एग्ज़ाम नहीं ले सकता है, कर्मचारी लिमिटेड होते हैं दोस्तों। तो ऐसे में आपकी जो परीक्षा है वो पोस्टपोन होगी। वैसे भी दोस्तों अब ज़्यादा समय बचा नहीं, आप सबको पता होगा दोस्तों आपकी जो एग्ज़ाम है वो 16 दिसंबर से हैं और अब दोस्तों लेकर 3 से 4 दिन ही बचे हुए हैं। तो ऐसे में दोस्तों 1 से 2 दिन पहले आपको घर से भी निकलना होता है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम सेंटर दूर पड़ता है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट का सेंटर है वो राजस्थान का स्टूडेंट है, उसका जो सेंटर है दोस्तों वो UP में, तो कम से कम उसे 1-2 दिन पहले भी निकलना होता है। लेकिन दोस्तों अब ज़्यादा समय भी नहीं बचा है, जब तक एडमिट कार्ड नहीं आएंगे आप कहीं जा भी नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे में आपकी जो परीक्षा तिथियाँ मैं 100% कह सकता हूँ कि पोस्टपोन होंगी। इसको लेकर नोटिस या तो आज शाम तक आ जाएगा या तो दोस्तों आपके एडमिट कार्ड कल लास्ट देखने को मिल जाएंगे, वरना दोस्तों आपकी जो परीक्षा तिथियाँ पोस्टपोन होंगी, आपको पढ़ने के लिए और समय मिल जाएगा दोस्तों। तो कंटिन्यूस आप तैयारी करते रहें, क्योंकि जो सी टेट की परीक्षा है दोस्तों एक बार पास करने के बाद आपको बार बार अब सी टेट भी नहीं देना पड़ेगा। सी टेट की जो पात्रता है दोस्तों वो आजीवन के लिए कर दी गई है। उसी के साथ दोस्तों इसमें जो आपकी जो वेकेंसी भी आने वाली है फरवरी में, सी टेट की स्टूडेंट जितने भी दोस्तों इस बार क्वालिफाइड करेंगे उनके लिए दोस्तों नवोदय स्कूलों में और केंद्रीय स्कूलों में दोस्तों नई वैकेंसी आने वाली हैं। लगभग 76,000 वैकेंसी आएंगे दोस्तों केंद्रीय विद्यालयों में। तो अभी से कंटिन्यूस अगर आप सी टेट यहाँ पर क्वालिफाइड कर लेते हो दोस्तों, तो उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसके ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों फरवरी में देखने को मिल जाएंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, सी टेट की कोई भी अपडेट आएगी तो तुरंत अपडेट कर दूंगा। फिलहाल मैं दोस्तों आपके एडमिट कार्ड को लेकर कोई अपडेट नहीं है और आपकी पोस्टपोन को लेकर जल्द ही कोई ना कोई अपडेट आ जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।